अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी यहाँ पर आज हम गर्मियों के सौगात लेके आए हैं, जो है कैरी का शरबत। तो हम आज से शरबत तैयार करने वाले हैं और उम्मीद है आप सबको रेसिपी अच्छी लगेगी। तो जी यहाँ पर उसके लिए मैंने 1 किलो ले लिए हैं कच्चे आम, और यहाँ पर मैंने 1 किलो लिया है अपने जितना आप बना के सेव कर सकते हैं उसको 1 मंथ तक। तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। बॉयल इसको मैंने कर दिया है, बॉयल करके मैंने यहाँ पर इसको जितना इसको तमाम गुदा है मैं इसको इस तरह से देख सकते हैं निकालते जाऊँगी। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इसको पील ऑफ करके बॉयल कर लीजिए फिर डायरेक्ट आप ब्लेंड कर दीजिए। आप ये भी कर सकते हैं। असल में बच्चों के साथ जैसे छोटी वाली सो जाती है तो मैं फटाफट जैसे मैंने चढ़ा दिया और जैसे मुझे टाइम मिला फटाफट मैंने इस तरह से इसको फटाफट करना शुरू कर दिया, बना के ब्लेंडर में डाल दूँगी। तमाम स्कैरियों को मैं देख सकते हैं आप इस तरह से ब्लेंडर में डालते जाऊंगी। थोड़ा यहाँ पे मैसी आपको लग रहा होगा, बट ये कि चलते हैं क्या करें। हाथ हमारे साथ धुले हुए साफ सुथरे रहते हैं, किसी को टेंशन की बात नहीं है। तो जी यहाँ पे अब मैंने तमाम जो उसका गुदा था निकाल लिया, उसके साथ मैंने ज़रा सी यहाँ पे लाल मिर्ची ली है, चटपटा भी बनेगा क्योंकि, और उसी के साथ काली मिर्ची ज़रा सी, और मैंने चीनी 1 कप बड़ा जो था मेरा पास कप भर के लिया है वो। और आप सब मसाले अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्ची अगर आप स्किप करना चाहें। और 1 लेमन यहाँ स्क्वीज़ कर लिया मैंने, इसको ब्लेंड करने के बाद अच्छे से ब्लेंड करना है इसमें, जैसे पल्स टाइप के ना रहे ना, अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद अब तैयार करते हैं। इसमें 2 चम्मच मैंने भर के डाल दिए हैं यहाँ पर कैरी का जो मैंने बनाया था हमने सीरम। उसके बाद हमने यहाँ पर इसमें पानी डाल दिया है नॉर्मल टेम्परेचर का, और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें अब ठंडी चिल होती हुई आइस क्यूब डाल देंगे। और इस तरह से हमारा शरबत बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएगा। इसको बनाएं, सेव करें 1 महीने तक के लिए अपने फैमिली के हिसाब से, जितने आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उस हिसाब से मेल हो तो ये बहुत था। और आगे जाके फिर हम फ्रेश तैयार कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल ज़बरदस्त और मज़ेदार ठंडा ठंडा हमारा शरबत रेडी है। और ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो सब्सक्राइब किए हुए हैं तो जी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें। मेरी भी दुआएं आप सब के साथ है। तो जी मिलूंगी फिर किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।